वेलकम बैक आप टू द ब्रेक। आप देख रहे हैं 342 पर सितारों के सितारे, और आज का हमारा रोशन सितारा आमना खारदार हमारे साथ हैं, नादिर भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, मौजूम खान साहब, आलिया नज़ीर और मामू तशरीफ रखते हैं। मामू विद न्यू ग्लासेस, लेट मी टेल यू। सो मामू, आज इन ग्लासेस के थ्रू आप आमना के जो सितारों का जायजा, उनके डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आप बताया, क्या कह रहे हैं आमना खारदार के सितारे? पहली बात तो ये है कि आमना के सितारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जो इसमें एक चीज़ है वो कि जेमिनी होना, दैट इज बिग थिंग, और जेमिनी का रूलिंग प्लैनेट भी उनके घर में पड़ा है। जेमिनी को जो रूल करता है, जैसे मरकरी, वो आपके घर में पड़ा हो। जब सितारा अपने ही घर में तो स्ट्रांग होगा, आप भी तो अपने घर में स्ट्रांग है ना, हर चीज़ अपने तो स्ट्रांगेस्ट है। इनमें क्रिएटिविटी, इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट नॉलेज रखने वाले लोग होते हैं ये, और वो बहुत खूब रीजनिंग पावर भी बहुत होती है। रीजनिंग पावर बहुत अच्छे, और सैटर्न जुपिटर कंडीशन भी बहुत अच्छी, बहुत लॉयल, ऑनेस्ट, रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल, किसी क्वालिटी नहीं। ये क्वालिटी आज की मार्केट में अवेलेबल नहीं है, मिलती ही नहीं। बहुत ज़बरदस्त है, और बहुत हार्ड वर्क से काम करते हैं, जान खपा के काम करते हैं, और जब ये लेजी हो जाए तो लेजी हो जाते हैं। सही बात है। अच्छा, ऐसा है। बहुत प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा इनका एक बहुत अच्छी एक चीज़ होती है इनमें कि ये एक खूबसूरत और आरामदेह घर इनका ख्वाब होता है। होम, खूबसूरत घर और आरामदेह घर इनका ख्वाब होता है, और वो बनाते भी हैं, करते भी हैं लाइफ में। ये बहुत अच्छा है, और लेकिन थोड़ा सा ये सेंसिटिविटी को भी बढ़ाता है। ये मून इन स्कॉर्पियो है, सेंसिटिविटी बढ़ाता है, सेंसिटिव कर देता है बाज़ औक़ात। और वीनस बहुत खूबसूरत पड़ा है, सेकेंड हाउस में वीनस की दो क्वालिटीज है। एक तो जो है आपका, हमें पता ही लग गया आपका डिजाइनर है, आर्ट लविंग है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वीनस का कैंसर में एक और चीज़ होती है कि ये रिश्तों में फंसे हुए लोग होते हैं, टाइज बड़ी डीप होती है रिश्तों में, खूबसूरती डीप टाइज होती हैं। हाँ, तो इनको मैं कभी कभी ये भी कह दिया करता हूँ कि होम सिख, होम की तरफ आना इनका काम, होम सिख लोग होते हैं। यानी अगर घर से दूर हो तो होम सिख हो जाएंगे, ऐसा है। घूम फिर के हमेशा घर आना, और घर पे क्या हो रहा है और घर की क्या सिचुएशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत अच्छा है इनके यहाँ, और इनकी सबसे बड़ी चीज जो है, थोड़ी सी एक बड़ी अच्छी नज़र मुझे इनकी मिली है, दैट इज वेरी नाइस। एक अच्छे इंसान में होनी चाहिए खुददारी और आना बहुत है इनसे, और खुददारी आना, और थोड़े से अथॉरिटी में रखते हैं ये अपने आप को, गिरते नहीं उसे अपने मकाम से नहीं गिरते। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी खूबी है एक आर्टिस्ट में होना, जो आर्टिस्ट में नहीं होती ये बात अमूमन देखने में। आई थिंक आजकल की लाइफ में वैसे भी बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप हर चीज से जो है डिसहार्टन हो जाओ तो फिर तो आपका कुछ भी नहीं बन सकता। और कॉम्पिटिशन इतने पेस इतनी बात है, ये लोग ओपन होते हैं, फ्रेंक ओपन, हर चीज क्लियर कट साफ कर। ये एक्चुअली आई एम नोन इन द इंडस्ट्री फॉर दैट, मैं बहुत मुंह फटू, मैं जो कह देती हूँ मुंह पे कह देती हूँ। अच्छा। उसकी वजह से काफी लोगों को अच्छी नहीं भी लगती, नादिर को तो अच्छी लगती है ना, इनके साथ ही बहुत मुंह फटू, इनको पता है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, इसके बावजूद उनको तो अच्छी लगती है। 9 साल तो हो गए, लेट्स सी। अरे यार कसम से, यार नादिर को देखकर मुझे हो रहा है कि शादी के बाद मेरी भी बत्तीसी बंद। अच्छा, एनीवे, जस्ट किडिंग। तो इनका जो है थोड़ा सा ये टुकड़ा जो गया इनका 2008, 2009 और 2010, ये थोड़े कमज़ोर हैं, ये टेंशन रही हैं कुछ माली मामलात में, इसमें कुछ थोड़ा सा रफ रहा, ये टेंशन रही हैं माली मामलात में। इसी टाइप का वक्त पहले भी आया था, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, उस वक्त बहुत छोटी हैं, 2001, 2003। पुरानी बात तो नहीं याद, रिसेंट बात याद है, आगे का बताएंगे। वहीं आ रहा हूँ, ये 2001, 2002, 2003 में भी कुछ गड़बड़ हुई थी माली मामला में, चीज़ों वो ख़त्म हो गया जस्ट अभी 10 जून 2011 से, दो महीने के बाद आपका बहुत ज़बरदस्त वक्त शुरू हो रहा। इसमें पैसा भी है, इसमें डिग्निटी भी है, अभी ये वक्त है बड़ा लंबा। ये जून से, ये 10 जून 2011 से स्टार्ट हो गया। 10 जून को मेरे फादर की बर्थडे होती है। अरे माशाल्लाह, 10 जून से शुरू हो रहा है, 10 जून से शुरू हो रहा है, और ये जाएगा 2012 इंशाल्लाह। बहुत इंतजार है मुझे। तो अंकल, आप जो है ना अपनी बर्थडे पर आमना से गिफ्ट लीजिएगा ना, बल्कि गिफ्ट दे दीजिएगा, क्योंकि मामू ने कह दिया वो इनका लकी डे है। तो इसमें अच्छा ये आप ये देखेंगे, इसको नोट कर लेना, 11 और 12 में आपका स्टेटस, हर तरह का स्टेटस बढ़ाएगा, डिग्रीफाइड करेगा, बहुत अच्छा देगा। इसमें एक मैं बता रहा हूँ आपको, दो चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा करें, गला और पेट।
डॉक्टर ने कहा कि अपने खामन को चीखना बंद कर दो, दर्द खत्म हो जाए। क्या बात, क्या बात, यही कहा था ना। अच्छा, इनका एक और बड़े मजे की बात है, इनके सेंस भी बहुत है, इनकी जो है ना मूड बड़ी जल्दी ऑफ एंड ऑन होते हैं, बड़ी जल्दी ऑफ एंड ऑन, यानी कोई गलत बात हो एकदम भग से उड़ जाएंगे, गौर आगे तो एकदम ऐसे होने जैसे फूल। ये भी है तो, बाकी माशाल्लाह भी आपके आने वाले 2-3 साल तो बहुत ज़बरदस्त हैं, इसी में है सारा राज आपका, जस्ट फ्रॉम जून देखें आप। इंशाल्लाह बहुत क्या राज है आमना। पता है एक्चुअली हमारे पिछले कोई 2-3 साल काफी टर्मोइल में गुजरे हैं, बिकॉज़ ऑफ फैमिली डेथ्स वगैरह काफी मेरे हस्बैंड की फैमिली में, इस तरह रिलेशंस खराब थे, करियर ने हस्बैंड ने अपना करियर चेंज किया होगा काफी ज्यादा जो है वो हमारी थी प्रॉब्लम्स। तो बस इंशाल्लाह वी लुक बोथ लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक brighter future comes up inshallah 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 you will rock this year after June jaise ki mamu ne kaha hai nahi pata hai dekho mushkilein har ek ki life mein aati hain agar aap us mushkilon ka samna karke you come out a better person I think that's where your success is exactly you know agar aap unse himmat haar ke baith jaye aur bilkul hi kahe ki lo ji ab to mera kuch nahi ban sakta to then you know problem aur kisi ne badi achhi baat ki thi mamu ke kamyab insaan wo hai ki jo wo chahta hai wo kar raha hai aur himmat nahi haarta aur laga rehta hai us pe to this is good I mean what you want to do you are bilkul amna ki jo sabse badi baat hai amna nadir keh lo ki sabse badi baat hai hard working aur iske kaam mein jhoot nahi hai loyalty hai sachai hai theek hai ye bahut badi baat hai bahut badi baat hai is line mein rehke in is category ke sath that's too difficult main samajhta hu maine aapki bahut mehnat hai aur aapka bahut himmat hai is mamle mein बहुत बिकॉज आजकल की दुनिया में सब शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं ना, जल्दी से फेमस हो जाए, जल्दी से पैसा बना ले। हम जो लगे हुए हैं बड़े सालों से, वो लोग ये कहते हैं ना कि मतलब तुम लोग अभी तक क्यों इस इंडस्ट्री में। मैंने कहा देखो 2-3 साल नहीं भी ज्यादा काम किया, नहीं भी किया, लेकिन अभी तक लोग हमें जानते हैं, हमारा नाम है किसी वजह से, क्योंकि हमने मेहनत की है। बिल्कुल, और मेहनत कभी आएगा नहीं जाती। और जी मामू, हमने जो फ्रस्ट्रेशन होती है ना वहाँ होती है, एक टाइम होता है जैसे आपका 8-9-10 गया कि आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिवार्ड वैसा नहीं है। मेरे साथ भी मामू, अब एक वक्त ऐसा आ रहा है कि आप सारे दिन की वजह 2 घंटे काम करेंगे, रिवार्ड फुल होगा इंशाल्लाह। ये टाइम होता है, लेकिन इसमें जो कमजोर टुकड़े में मजबूत होकर चले रिवार्ड में बड़ा मजा आता है। ये तो बात है, खुशी में तो सब मुस्कुराते हैं, लेकिन जब टफ टाइम आता है, हार्ड टाइम आता है, तब भी मुस्कुराना वही आपकी जीत की तरफ आपको लेकर जाती है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हो गया है, और ब्रेक के बीच में जिस तरह मामू ने आमना के लिए कहा है, मैं कहता हूँ मेरे लिए भी जरा कुछ बता दें कि कुछ जरा काम हो जाए सेट। सिटी 42 पे आप देख रहे हैं सितारों के सितारे, मिलते हैं छोटी से ब्रेक के बाद।